नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। एसडीएम सदर नेहा बंधु ने सोमवार को चरगावा सीएससी व पीएससी का औचक निरीक्षण किया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि सीएससी चरगावा बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा है और लगभग 150 मरीज प्रतिदिन ओपीडी में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टाफ को भी चेक किया गया है और एक्सपायरी दवाओं की जांच की गई है। उन्होंने कहा कि सीएससी चरगावा पर पीकू वार्ड का शुभारंभ हुआ है, जहां पर नवजात बच्चे और अन्य बीमारियों से पीड़ित बच्चों को भर्ती करने के लिए 3 बेड की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण में साफ सफाई पाई गई है और जो भी कमियां पाई गई है उसकी रिपोर्ट को जिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, सीएचसी चरगावा का निरीक्षण किया गया था और इसके अतिरिक्त मैंने जो पीएचसी चरगावा है जो ब्लॉक के पास चलता है उसका भी निरीक्षण किया था। तो जो सीएचसी चरगावा है तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रखा है और कोशिश है करीबन 100-150 लोग प्रतिदिन उसमें ओपीडी में आ रहे हैं। मेडिकल स्टॉक का निरीक्षण किया गया, एक्सपायरी रजिस्टर जो होता है सबका अवलोकन किया गया। तो कोशिश यही है वहाँ पे मैं सब जो गोरखपुर की जनता जो भी सुन पा रही है, तो वहाँ पे एक पीकू वार्ड का भी एक इनॉग्रेशन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। तो उसकी जागरूकता थोड़ा कम है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो वहाँ पे जो है क्रिटिकल जो बच्चे माल नरिश बच्चे हैं उनको उनकी देखरेख के लिए काफ़ी अच्छा एक हाईटेक पीकू वार्ड का निर्माण किया गया है, 3 बेड। तो उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए, तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से उसकी जागरूकता भी ज़रूरी है। और साफ़ सफाई ठीक मिली है, उसमें कुछ कुछ जो कमियां पाई गई हैं उसके बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय को मेरी रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। तो कोशिश है हम लोगों के सबके सहयोगों से जो राजकीय अस्पताल हैं, जो सीएचसीज हैं, पीएचसीज हैं, उनकी स्थिति इम्प्रूव होती रहे और जो जनता है उसको चिकित्सीय परामर्श के लिए और फर्स्ट एड के लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े।